और अब जरा सा सैर सपाटा हो जाए, लिए चलते हैं आपको इंदौर के जू में, जहां नए मेहमानों को देखने के लिए लोगों की आमद बढ़ गई है। बच्चे खास करके इन मेहमानों को देखकर रोमांचित हैं। आपको बता दें, और ये नए मेहमान हैं एनाकोंडा और एक खास प्रजाति की गिलहरी। वैसे आपको बता दें कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एनाकोंडा समेत कुल 42 जानवर जू में लाए गए हैं। नन्हे बच्चों की ये टोली चिड़ियाघर में आए नए मेहमानों का दीदार करने आई है। इन बच्चों के चेहरों पर जितनी खुशी झलक रही है, उससे भी ज्यादा इनका मन कौतूहल से भरा है। ये बच्चे यहाँ पहली बार एनाकोंडा देखेंगे। जी हाँ, वही एनाकोंडा जिसे इन्होंने अब तक फिल्मों में ही देखा है। आपने गिलहरियाँ तो खूब देखी होंगी, लेकिन इस पिंजरे में जिन गिलहरियों को देख रहे हैं वो बेहद खास है। इन्हें फ्लाइंग स्क्विरल कहा जाता है। ये तस्वीरें इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यह एनाकोंडा के साथ कुल 42 दुर्लभ प्रजाति के जानवर लाए गए हैं, ताकि ये नेचर पार्क ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को लुभा सके। देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये सारे एनिमल्स हमको तो मिले हैं। ये सारे एक्जोटिक स्पीसीज के ही है, जिसमें मेनली बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स में एनाकोंडा हमें मिला है, उसका एक पेयर है अभी, जिसमें फीमेल जो है वो जुवेनाइल है और जो मेल है वो करीब करीब 4.5 फीट के लेंथ का है। वो अभी हम लोगों ने उसको नेचुरल उसका जो हैबिटेट था उसमें रिलीज किया है, और काफ़ी दिनों से दर्शकों की भी डिमांड थी एनाकोंडा को लेकर, और लोगों में भी काफ़ी दर्शकों में एक्साइटमेंट उसको लेकर। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू से कई जानवरों को दूसरे जू में शिफ्ट किया गया है, और बदले में दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, रेप्टाइल, मैमल्स इंदौर के जू में लाए गए हैं। दूसरी अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में मकाऊ है, गला को एक्लिप्टस है, इसके अलावा मकाऊ के जो डिफरेंट जैसे ब्लू गोल्ड मकाऊ है, मिलिट्री मकाऊ है, और मेमल्स में मार्मोसेट है, गलागो है, इस तरह फ्लाइंग स्क्विरल है। इस तरह के जो अलग अलग एक्जोटिक स्पीसीज जो थी वो हमको मिली है जू के लिए। ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के लिए फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन मेहमानों को देखने के लिए यहाँ दिन ब दिन पर्यटकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।